नमस्कार, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। हम HSVP द्वारा की जा रही तोड़फोड़ अभियान को कवरेज आपके दिखाते हैं। यहाँ लगातार लाखों रुपए की जो HSVP की ज़मीन पर अवैध कब्जे बने हुए थे उनको लगातार तोड़ा जा रहा है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा इन्हें तोड़फोड़ अभियान चलाया गया है। यहाँ अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है ज़मीन को। भारी पुलिस बल यहाँ तैनात है, लगातार JCB से तोड़फोड़ की जा रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल यहाँ मौजूद है। यहाँ अभी तक किसी तरह का कोई भी विरोध नहीं देखने को मिला है, लगातार तोड़फोड़ जारी है। यहाँ अधिकारी कर्मचारी और यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब तक करीब 500 करोड़ रुपए की ज़मीन को कब्जा मुक्त किया जा चुका है, लेकिन ऐसे में और भी लगातार साइबर सिटी में तोड़फोड़ जारी है और कब्जा मुक्त किया जा रहा है ज़मीन को। तो अधिकारी और कर्मचारी, यहाँ के जो सीनियर अधिकारी हैं, ड्यूटी इंचार्ज जो यहाँ लगाए गए हैं, वो उनका भी कहना है कि जब तक ये तोड़फोड़ अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक HSVP की ज़मीन को पूरी तरीके से कब्जा मुक्त नहीं किया जाता। आपके अधिकारियों से बातचीत कराएंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है और लोगों का विरोध सामने आया या नहीं। ये HSVP के पीछे से 350 केस थे जो उच्च न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में जो पेंडिंग थे, और वो हुड्डा की फेवर में जब से आए हैं तब से पूरे गुरुग्राम में जो है HSVP ने अपना मुहिम चलाई हुई है कि अपनी लैंड को जो है वो खाली करा करके रहेंगे, ताकि फिर से लैंड ओनर्स जो हैं वो किसी भी तरीके का माननीय उच्च न्यायालय में जा करके या किसी और न्यायालय में जा करके वो स्टे ना ले लें, इसलिए ये कार्रवाई रेगुलर चल रही है। करीब कितने दिन से ये कार्रवाई? पिछले 15 दिनों से रेगुलर ये कार्रवाई चल रही है। और ये ऐसा नहीं केवल कन्ही में है, कल सेक्टर 48 में भी हुआ था, 33 में भी है, 38 में भी है, 31 सेक्टर में भी है, और ऐसा ही EO1 के अंदर भी ऐसा ही चल रहा है। वहाँ पर भी रेगुलर जो है एनक्रोचमेंट ड्राइव जो है ना चलाई जा रही है और HSVP अपने ज़मीन का जो है कब्जा अपने में ले रही है। सर, तो इसमें अब तक करीब कितनी ज़मीन को कब्जा में कराया जा चुका है? ये शायद पीछे से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बताया था, मीना साहब ने, जो अब ADC साहब हैं, कि तकरीबन हमने पिछले 15 दिनों में 70 एकड़ करवाया था, उसके बाद भी तकरीबन 4-5 एकड़ और संपदा अधिकारी 2 के कार्यक्षेत्र में जो है ज़मीन खाली करवाई जा चुकी है, और आज भी जो है ये 1.5 एकड़ की ज़मीन है जिस पे कि HSVP ने इंस्टीट्यूशनल प्लॉट्स की प्लानिंग किया हुआ है, आज उसको खाली करवाया जा रहा है। तो यहाँ लगभग कितने परिवार यहाँ रहते हैं जिनको पहले आपने नोटिस दिया या नहीं दिया? सर, यहाँ पर ये 25-30 मकान हैं, इनके अंदर लेबर्स रहती हैं सर, और अलग अलग कमरे जो हैं किराए पे दिए हुए होते हैं। अब एक ही 100-50 गज़ के अंदर भी इन्होंने 5-5-10 कमरे बना रखे हैं, तो हर एक में मतलब कि आप ये लगा लो 100-200 परिवार तो है ही है यहाँ पर जी। तो ये ड्राइव कब तक चलेगी आपकी? ये ड्राइव जब तक चलेगी जब तक कि HSVP अपनी पूरी ज़मीन को खाली नहीं करवा लेता और अपने कब्जे में नहीं ले लेता। करीब कितना लैंड है जो HSVP का कब्जे में है, अतिक्रमण में है? देखिए, ऐसे तो लैंड बैंक तो बहुत है और इसकी ज़्यादा अच्छी जानकारी जैसे कि संपदा अधिकारी कार्यालय 2 से पता चल पाएगी कि सही मायने में कितनी जो लैंड है उनके इनक्रोच्ड है। तो यानी कि आप जब तक जारी रहेगा जब तक ये सारा अतिक्रमण हटाया नहीं? बिल्कुल ऐसा, जब तक जारी रहेगा। कोई अपील करना चाहेंगे? अपील मेरी यही है कि जिनके भी कोर्ट केस डिसमिस होते हैं या जिन भी लोगों ने अवैध निर्माण किया हुआ है सरकारी भूमि पे और HSVP की भूमि पे, उनसे यही कहना चाहूँगा कि जी आप अपने आप हटा लें। आपने भी देखा होगा एक महिला रो रही थी, गुहार लगा रही थी कि जी मेरे को हमारा सामान निकाल लेने दो, हमारी चौकटे निकाल लेने दो। जब आज से 10 दिन पहले यहीं पे डेमोलिशन ड्राइव चली है इसी जगह पे, तो इन लोगों को पता है, लेकिन ये लोग खाली नहीं करते हैं, ये लोग अपने किराए के लालच में बैठे हैं, तो ये चाहते हैं कि ये अपने आप ही हटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। HSVP की हजारों लाखों करोड़ की ज़मीन पर अतिक्रमण अब भी चल रहा है। ऐसे में HSVP लगातार अतिक्रमण हटाने के लिए अपनी तोड़फोड़ अभियान को चलाए हुए है। ऐसे में कन्ही गांव में भी लगातार तोड़फोड़ अभियान चालू किया गया है और यहां लगभग 25-30 मकान आज तोड़े गए हैं, और यहां जो रहने वाले परिवार हैं उनका कहना है कि कल जब उन्होंने जिला उपायुक्त से मुलाकात की थी तो जिला उपायुक्त द्वारा उन्हें तोड़फोड़ ना करने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बावजूद उसके लगातार तोड़फोड़ की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ से आशियाना तोड़ा जा रहा है, उसके बदले हमें कहीं रहने के लिए किसी भी तरह की कोई आशियाना नहीं दिया जा रहा है। और भी तमाम खबरों के देखने के लिए जुड़े रहें दैनिक भरोसा के साथ। नमस्कार।